फ्रेंड, गुड इवनिंग। बेटा इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, गुड इवनिंग कर दो, गुड इवनिंग करो। कौन है ये? देखो मेरे बेटू, बोलो गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? हम लोग तो अच्छे हैं, आप लोग भी अच्छे होंगे। अब भी मैं आई हूँ। कितने बज रहा है? 7:30 हो गए। मैं 7 बजे आई हूँ, 7 बजे। अब मैं फ्रेश होंगी, देखो फ्रेश नहीं हूँ, ऑयली ऑयली स्किन हो गई है। क्या बेटा साइड हो? ये देखो मेरा नाइट ड्रेस। देखो दादी पूजा कर रही है, दादी पूजा कर रही है ना। चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। अभी मैं फ्रेश होके फिर मिलती हूँ, है ना बेटा? बोलो। हेलो हेलो हेलो। चलो मिलते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है? किचन में मिलेंगे, किचन में। बोलो क्या बोल रही हो? ये बाबू है ऐसा? ये बाबू है? बोलो बोलो। मम्मी क्या किया है भैया? भैया पापा क्या किया? पापा तू मम्मा और हम बाबा किया। बुआ कहाँ है? बुआ बुआ कहाँ है? बुआ बुआ कहाँ है? बुआ नहीं, बुआ नहीं है। ए पापा कहाँ है? पापा ये अपने लैंग्वेज में बातें कर रही। चलो मिलते हैं बाद में, टाटा बाय 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 बाय। हाथ दिखा दो, हाथ दिखा करो, बाय अच्छे से करो, अच्छे से बाय करो, ऐसे करो, बाय करो। सुसु आई, चुप 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 चुप, भागो 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 भागो। अरे पोपट हो गया इसको, सुसु आई। अरे इसकी मम्मी बोलती है डायपर में पहन के। लग गया मेरे को, लग गया। चलो मैं फ्रेश नहीं हूँ क्या? मैं फ्रेश होने जा रही हूँ, चलो बाय। कोई लड़की को मेरा नाइट ड्रेस का कवर लेके खेल रही है। लड़की उठ जाओ, कब से मैं ट्राई कर रही हूँ वॉइस ओवर करने का। 2 बार मैंने वॉइस ओवर किया भी और फिर वॉइस ही नहीं आ रहा था। मैं सोच रही हूँ क्या प्रॉब्लम हो गया है। मेरे माइक में जो कैमरा मोड भी दिया है, बोया का माइक है और स्मार्टफोन मोड है, तो कैमरा मोड में हो गया था, तो इसलिए वॉइस ही नहीं आ रहा था। मैं वॉइस ओवर करके मैं चेक कर रही हूँ तो वॉइस ही नहीं आ रहा, आवाज़ ही मेरा इतना स्लो आ रहा है। अभी मैं यहाँ वॉइस ओवर करते जा रही हूँ। 2 बार मैंने ऐसे किया, 2 नंबर ये प्रॉब्लम। फिर बाद में मैंने चेक, थर्ड टाइम मैंने चेक किया, अभी थर्ड टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। फिर अभी चेक किया मैंने स्मार्टफोन पे करके, फिर दूसरा मैंने एक छोटा सा वॉइस ओवर किया तो वहाँ पे आवाज़ आ रही है, मेरा प्रॉपर आ रही थी यहाँ। फिर यार 2 बार मेहनत हो गया, आधा घंटे से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतना मेहनत करना पड़ता है देखा, इसलिए बोलती हूँ चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो अगर आप नए हैं तो। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। यहाँ खाने बनाने की तैयारी हो रही है और मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ साग बनाने के लिए। नहीं नहीं मैं सब्जी बना रही थी, हाँ मैंने सब्जी बनाया था, आलू भुजिया बनाया था, क्योंकि मुझे साग नहीं खाना और खिचड़ी के साथ में थोड़ा चाहिए मुझे, बस थोड़ा आलू भुजिया हो, थोड़ा मसाले वाली सब्जी हो थोड़ी हल्की सी। वैसे किसी को भी नहीं, सिर्फ खिचड़ी खाना ही पसंद आता है, लेकिन आज का जो दाल खिचड़ी बना था, तड़का खिचड़ी, वो यहाँ मोहिसर में जो मधुर है उसको ही फिल करते, इतना अच्छा बना था, मुझे तो बहुत मज़ा आया के। मेरी भाभी ने बनाया था, मैंने वो वाली सब्जी बनाई आलू भुजिया, वो शायद मैंने नहीं दिखाया, हाँ वो बाद में बने बनाया तो वो कैप्चर ही नहीं किया मैंने लगता। तो फिर ये बनाया है और फिर साग भी बनाया है, बहुत मज़ा आया खाने में। साग है जो हम लोग ऐसे कट कर लेते हैं। इधर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, ये चिल्ला रही है, लोग का मस्ती भी चल रहा है। फिर ये साग मैं ऐसे बारी बारी नहीं कट करती, थोड़ा मोटा मोटा भी करती हूँ
कट करती हूँ गल जाता है, और ऐसे फ्लोर पे ही हम लोग कट कर लेते हैं। क्लीन होना चाहिए फ्लोर आपका बस, और चॉपर वगैरह नहीं यूज़ करते हम लोग, ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। फिर बस दाल खिचड़ी भी हम लोग का बन गया था, सिर्फ ये बाद में हम लोग कट कर रहे थे। चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ दाल खिचड़ी, दिखने में इतना अच्छा लग रहा था तो खाने में तो पूछो मत। ये देखो कैसा लगा, कैसा लगा मेरा मजाक, लेकिन मजाक नहीं ये रियल है, रियल में बना हुआ है। देखो रेस्टोरेंट स्टाइल लग रहा है, तड़का वड़का भी रेस्टोरेंट में क्या करते हैं, वो गोल वाला शिमला मिर्च होता है ना उससे तड़का मारते हैं। ये भी शिमला मिर्च है लेकिन ये ऐसा अच्छी बोला है। अब फिर मैं खाने सब तो बन गया, मैं भी खाने के लिए जा रही हूँ, तो मैं पापड़ तल लेती हूँ, थोड़ा दो पापड़ तल लेती हूँ मेरे लिए, बाकी सब लोग तो खा चुके, मैं ही सिर्फ बाकी थी, तो मैं भी खाने की तैयारी कर रही हूँ। दो पापड़ तल ले रही हूँ और फिर खाऊंगी। थोड़ा ऐसा सिर्फ ऐसा लगता है खाली खाली सिर्फ खिचड़ी खाना, खाली खाली सकते हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे घर में सबको लगता है। फिर दो पापड़ के साथ में फिर मैं खाऊंगी, और चटनी भी बनाया लेकिन मैं चटनी नहीं लूंगी, वैसे ही बहुत अच्छा बना है, मतलब सादा खिचड़ी नहीं है ना, सादा खिचड़ी होता है तो फिर चटनी थोड़ा सब्जी, और यहाँ पर गर्म पानी किया है, बर्तन भी मैंने थोड़ा धो लिया है कि बर्तन थोड़ा थोड़ा धोते हो तो ज़्यादा नहीं होता, नहीं तो पूरा सिंक भर जाता था उसमें। और गर्म पानी मेरे पापा पीते हैं सुबह शाम। और यहाँ पे चटनी और ये साग बना था वो मेरा रेडी है, तो मैं खा के मिलती हूँ। तो सबका खाना पीना हो गया है, मैं भी जा रही हूँ खाने। तो ये मेरा दाल खिचड़ी और मेरा पापड़, देखो कितना टेस्टी है ना, और ये मेरा पापड़, बस मैंने इतना ही खाया है और बहुत अच्छा लग गया मुझे। और फिर यहाँ पे मैं खा रही हूँ और इशारे भी कर रहे, देखो बहुत अच्छा बन रहा है, मजा आ गया। पापड़ पापड़ ना जो करारा करारा लगता है ना, बहुत मस्त लगता है खाने में। और फिर देखो यहाँ पे अदिका की मस्ती चालू हो गई है, पूरा बिस्तर यहाँ से वहाँ कर रही है, उसको स्लाइडर बना लेती है, जो बिस्तर है उस पर चढ़ेगी फिर स्लाइड करती है वहाँ पे। और यहाँ पे मैं डांस करने के लिए बोल रहा था, मैं डांस नहीं कर रही, आगे की वीडियो में दिखाती हूँ मैंने डांस किया है, उससे बेस्ट तो पहले। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, कमेंट, लाइक। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।